कल पढ़ लिया था एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन खत्म हो गए। आज पढ़ना है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ये जो प्लॉट किया था ग्राफ बना के देखा था उस मेथड से, ठीक है। तो उससे पहले देखो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, है ना। तो दो जो इक्वेशन है हमारे पास लीनियर पे, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म मैंने क्या लिखवाया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन है। दूसरा मैंने लिखवाया था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गए। पेयर मतलब दो हो गए और लीनियर का मतलब 1 डिग्री पॉलिनोमियल है ना, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इनका मुझे सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि कोई एक वैल्यू होगी जिसपे ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे होंगे। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं ग्राफ जैसे बनाते हैं, कल बना के देखा था ग्राफ भी, तो जैसे इसका अगर ग्राफ बनाऊंगा तो क्या बनेगा, एक लाइन बनेगी हमारे पास, है ना, ठीक है। दूसरा का ग्राफ बनाएंगे वो भी एक लाइन बनेगी, है ना। तो मैंने लाइन भी देखा, तो मैंने दो जो सॉल्यूशन बताए थे तो तीन तरह के मैंने बताया था कि तीन कंडीशन बनेगी जब भी हम उसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो तीन कंडीशन बनेगी। पहला मैंने बोला था इंटरसेक्टिंग बनेगा, एक पॉइंट पे कट कर रहा होगा, है ना। दूसरा मैंने बोला था कि दोनों पैरेलल होंगी, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, है ना, ठीक है, पैरेलल, है ना। और तीसरा मैंने बोला था कि एक के ऊपर एक आ जाएगी, कोइंसिडेंट बताया था, जैसे पहली लाइन ये आई और दूसरी लाइन भी इसके ऊपर आ गई, ठीक है, जस्ट इसके ऊपर पहली लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है। तीन तरीके से हो सकता है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसा कॉमन पॉइंट जहाँ से दोनों पास हो रहे हो, ठीक है, है ना। तो जब एक पॉइंट से पास हो रहा है ये दोनों, जब इंटरसेक्टिंग वाली की हम बात कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग वाले लाइंस की बात कर रहे हैं, तो कितनी जगह पे कॉमन आ रही वैल्यू, एक जगह पे, है ना। और इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, जैसे हम अगर पहली लाइन को ड्रॉ किए एक्स पे और वाई पे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो इस पर कुछ कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कॉमा वाई वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ भी कुछ होती है, यहाँ भी, हर जगह क्या होता है एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिखते हैं ना, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको ऐसे ड्रॉ करते थे, ऐसे ड्रॉ करते, तो ये पॉइंट आ गया हमारा 3.2, ऐसे आ जाता है ना, ठीक है। तो ये भी लाइन है, इस पे सारे पे क्या होंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे, है ना, एक्स और वाई, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। दूसरा लाइन अगर ड्रॉ करूँ तो उसके भी ऊपर पॉइंट होंगे, तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों के ऊपर लाई कर रहा है, इस लाइन के ऊपर भी है, इस लाइन के ऊपर भी है, एक्स कॉमा वाई वैल्यू है कुछ, है ना, ये पॉइंट, ठीक है, इसके ऊपर भी है और इस लाइन के, दोनों लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट होगा, ठीक है। तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वही सॉल्यूशन होंगे, ये जो एक्स और वाई बात कर रहे हैं हम, उस एक्स और वाई की वैल्यू होगी, ठीक है। तो वो जो कॉमन पॉइंट होगा वही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कॉमन पॉइंट, ठीक है, है ना, और बोथ द लाइंस, ठीक है, जब उनको हम ड्रॉ करेंगे, व्हेन ड्रॉन ऑन कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन क्या है, एक्स वाई प्लेन जो है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में जब हम दोनों लाइन को ड्रॉ करेंगे तो एक कॉमन पॉइंट आएगा, उस पॉइंट की जो वैल्यूज होगी वही क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है। तब ये जब इंटरसेक्टिंग होगा किसी एक पॉइंट पे, तब कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं मेरे को, एक ही पॉइंट मिल रहा है कॉमन, ठीक है। यहाँ पे मुझे कितने पॉइंट मिल रहे हैं कॉमन, एक भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे जो होगा सॉल्यूशन मिलेगा, कितने सॉल्यूशन मिलेंगे अगर इंटरसेक्टिंग की बात करें तो, इंटरसेक्टिंग की बात करें तो कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं मेरे को, फर्स्ट केस है इंटरसेक्टिंग, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1, है ना, 1 एंड ओनली 1 सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, है ना, जितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है उतने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, एक सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है, 1 एंड ओनली 1 सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, मतलब एक ही आंसर है ना। अगर पैरेलल वाले की बात करें, सेकंड वाला पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस में क्या होगा कि कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, एक भी नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे। तो इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो मतलब नहीं, है ना, एक भी सॉल्यूशन
नहीं मिलेगा इसके इसको, ठीक है, क्योंकि कहीं भी इंटरसेक्ट कर ही नहीं करे, कोई भी कॉमन पॉइंट है ही नहीं इन दोनों के बीच में। अगर तीसरे वाले की बात करें, कोइंसिडेंट है ना, तो इसमें देखो इस केस में क्या बताया था मैंने कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, तो कितने कॉमन पॉइंट होंगे, सारे पॉइंट कॉमन ही है इसमें, जो पॉइंट इसके ऊपर है पहली लाइन के ऊपर वही पॉइंट दूसरी लाइन के ऊपर भी, क्योंकि एक लाइन ड्रॉ किया उसके ऊपर ही दूसरा लाइन है, तो दोनों के पास क्या है सेम पॉइंट्स है, है ना, तो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, इनफाइनाइट हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ग्राफिकल मेथड से हम इस तरह से निकालेंगे, जब भी हम दो लाइन हमें दिया रहेगा दो लाइन का इक्वेशन, उसको क्या करेंगे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, जैसे कल क्लास में किया था हमने, है ना, कल की क्लास में इक्वेशन बनाया था उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाया था, तो ग्राफ पे एक लाइन ड्रॉ हो रही थी हर इक्वेशन के लिए, तो जो लाइन ड्रॉ होगी अगर वो दो लाइन जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी तो कितने सॉल्यूशन मुझे मिलेंगे, वन, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है, उसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं पैरेलली पास कर रहे हैं तो कितने सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा, ठीक है। उसके बाद जो है अगर वो एक के ऊपर एक आ गया लाइन, है ना, तो कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मिली सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन की बात होगी, ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक। तो अगला हमारा टॉपिक है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, तो दोनों को समझते क्या होते हैं। तो सॉल्यूशन तो हमें पता चल गया क्या होता है ना, तो सॉल्यूशन के बेस पे ही इनको डिफाइन किया जाता है। तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो समझ रहे हो ना कि दो इक्वेशन दिए रहते हैं उसी को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, ठीक है, टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे, जिसका हमें सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, क्या बोलेंगे, ए पेयर ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन विच हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ठीक है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट मतलब कम से कम, है ना, कम से कम एक सॉल्यूशन जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक सॉल्यूशन कम से कम दे जाए उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर, ठीक है, जो सॉल्यूशन दे रहा है ना। तो सॉल्यूशन पीछे हमने देखा कौन कौन से दे रहे थे, एक तो हमारा इंटरसेक्टिंग वाला दे रहा था और कोइंसिडेंट वाला दे रहा था, तो ये एक दे रहा था, ये बहुत सारे दे रहा था, हमें क्या कम से कम एक चाहिए, है ना, तो दोनों आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो मैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन से होंगे, जो इंटरसेक्टिंग वाले एंड कोइंसिडेंट वाले, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट वाले कैसे होंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब ही क्या है कि जो सॉल्यूशन दे रहा है, कंसिस्टेंसी पढ़ा है ना, ठीक है, क्रिकेट में सुनते हैं कंसिस्टेंस है, मतलब कि हमेशा क्या है रिजल्ट दे रहा है वो, जैसे कोई खिलाड़ी है वो खेलता है हर मैच में परफॉर्म कर रहा है तो क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट है वो, तो रिजल्ट दे रहा है हर बार, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। दूसरे की बात करें इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि जो रिजल्ट नहीं दे, है ना, एक बार 100 बना दिया फिर 0 फिर 0 फिर कुछ कर रहा है ना, तो इनकंसिस्टेंट नहीं है वो, हर बार सॉल्यूशन सही नहीं दे रहा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट वाला, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है, तो क्या बोल देंगे, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैव नो सॉल्यूशन, है ना, कोई सॉल्यूशन ही नहीं दे रहा, ठीक है, तो नो सॉल्यूशन वाला कौन सा था, पैरेलल वाले थे, है ना, तो पैरेलल लाइंस वाला जो हो जाएगा हमारा, पैरेलल लाइंस ये क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन के अंदर आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। कंसिस्टेंट कौन सा होगा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट वाला, ठीक है, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला और वन सॉल्यूशन वाला, ठीक है, और इनकंसिस्टेंट कौन सा होगा, पैरेलल लाइंस होंगे जो नो सॉल्यूशन दे रहे थे, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, समझ में आ रही ना बात, ठीक है, तो ये टॉपिक समझ में आ गया, ठीक है, अब इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं अगला टॉपिक है कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट एंड पैरेलल लाइंस, ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उनको चेक करना है कि इंटरसेक्टिंग है, कंसिडेंट है या पैरेलल, वो तो ग्राफ से हमने देख लिया कि कट कर रहा है तो क्या होता है इंटरसेक्टिंग है ना, अगर एक के ऊपर एक है तो क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा, और दोनों कहीं नहीं कट कर रहे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर इक्वेशन दिया हो तो उससे डायरेक्ट कैसे पता करें, ठीक है, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, ठीक है, तो दो इक्वेशन में लिख ले रहा हूँ, क्या होता है, a1x + b1y
प्लस सी वन इजकल टू जीरो, ये इक्वेशन है हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। सेकेंड मैं ले लिया ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इजकल टू जीरो, ठीक है। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब मेरे को कंडीशन देखनी है कि कब जो है ये इंटरसेक्टिंग होगा, कब कोइंसिडेंट होगा, कब पैरेलल होगा, ठीक है। तो कंडीशन कैसे देखते हैं कि जो इसके कोफिशियंट है एक्स के, वाई के और कांस्टेंट वाले, इनका रेशो हम निकालते हैं, ठीक है। रेशो क्या होता है, ए वन अपॉन ए टू, ये एक्स के कोफिशियंट का रेशो हो गया, बी वन अपॉन बी टू वाई के कोफिशियंट का रेशो हो गया, और कांस्टेंट का रेशो क्या हो जाएगा, सी वन अपॉन सी टू हो जाएगा, ठीक है। तो इन रेशो को कंपेयर करते हैं आपस में, ठीक है। तो फर्स्ट जो होता है इंटरसेक्टिंग का केस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग का केस देखते हैं। तो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होगा कि अगर ए वन बाई ए टू, ठीक है, मतलब एक्स के कोफिशियंट का रेशो नॉट इक्वल आता है बी वन अपॉन बी टू, वाई के कोफिशियंट के रेशो के इक्वल नहीं आता है, तो हम क्या बोल देंगे, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है ना। अगर रेशो जो है इक्वल नहीं है तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से होता है ना, दो लाइन एक जगह कट कर रही है इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो इस तरह से याद करें, इंटरसेक्टिंग मतलब ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, यूनिक सॉल्यूशन और इस तरह से लाइन होती है, ठीक है। सेकेंड है ना कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट की बात करेंगे, मतलब दोनों एक के ऊपर एक आ गया, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि तीनों रेशो आपस में इक्वल हो जाएंगे, ए वन अपॉन ए टू इक्वल होगा बी वन अपॉन बी टू इक्वल होगा सी वन अपॉन सी टू, मतलब जो तीनों का जो रेशो है वो आपस में इक्वल होगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो इस केस को क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट कब होता है, जब पैरेलल लाइंस होती है, सॉरी जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन इसमें मिल रहा था, इसमें कितना सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, ठीक है, बताया था अभी, है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, एक लाइन है उसके ऊपर ही दूसरी लाइन भी किसके है, उसके ऊपर ही, है ना। तो बहुत सारे पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को हर जगह इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया इसके, ठीक है। तो इस तरह से ये डायग्राम याद रखोगे सारा कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। थर्ड केस किसका हो गया, पैरेलल लाइंस का, ठीक है। पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है कि पहले रेशो इक्वल होंगे, तीसरा वाला इक्वल नहीं होगा, ए वन ए बाई ए टू इक्वल टू होगा बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ठीक है। तो थर्ड जो कांस्टेंट का रेशो होगा वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस में क्या, इसके कितने सॉल्यूशन मिलते थे, नो सॉल्यूशन, है ना, और इसको इनकंसिस्टेंट बोलते थे, है ना, अभी पढ़ा था हमने, और ये दोनों कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस कैसे बनाओगे, इस तरह से एक लाइन दूसरी लाइन, है ना, दोनों कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे एक दूसरे को, है ना। तो कितने सॉल्यूशन है, एक भी सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट से देखना चाहो तो वो भी लिख लो यहाँ पे, है ना। ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन आ रहा है इसमें, तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट होता है और ये इनकंसिस्टेंट, ठीक है, है ना, इसमें सॉल्यूशन नहीं आता, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो है ये टेबल, इससे एक ही बार में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग मतलब रेशियो इक्वल नहीं होगा पहला वाला, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इस तरह से लाइन कहीं कट एक जगह पे कट कर रहा होगा, और कंसिस्टेंट है। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, है ना, तो तीनों रेशियो इक्वल होने चाहिए अगर इससे देखना चाहे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके, इस तरह से बनेगा, कंसिस्टेंट होगा। पैरेलल में फर्स्ट दो रेशियो इक्वल होंगे, तीसरा इक्वल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इस तरह से कहीं पे कट नहीं कर रहा है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इसके बाद अगले लेक्चर में 3.2 देखेंगे, ठीक है, उसके क्वेश्चंस देखेंगे।